हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे सांसद जयंत चौधरी पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज को लेकर हाथरस से लेकर सौंख तक रालोद कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला और सीएम योगी का पुतला दहन किया गया। योगी सरकार की तानाशाही शासन के लिए नारेबाजी की। बुधवार को कस्बा में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चेतन मलिक व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बाबूलाल की अगुवाई में सीएम योगी का पुतला दहन किया। इस दौरान कुम्हेर अड्डा से लेकर गोवर्धन तिराहे तक रालोद कार्यकर्ताओं द्वारा जुलूस निकालकर प्रदेश की योगी सरकार का विरोध किया गया। तानाशाही शासन की आलोचना की गई। इस मौके पर रविंद्र नरवार, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुरेश भगत, जिला महासचिव बलजीत सिंह, संतोष चाहर, नगर अध्यक्ष जगदीश चाहर, शिव कुमार, संतोष राणा, पालेंद्र सिंह, मुरारी, पवन, रिंकू, शेरा, पहलवान, बने सिंह, भोला, रवि, विनीत, मुकेश, हरबीर सिंह, बीरपाल, जीतू कुंतल, योगेश आदि लोग मौजूद रहे। किसान नेता जयंत चौधरी के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, क्या कुछ आक्रोश सौंख तक पहुंचा है, हाथरस से लेकर सौंख तक पहुंचा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी निंदनीय कार्रवाई सरकार ने करवाई है। माननीय जयंत चौधरी पीड़िता का हाल जानने के लिए, पीड़िता के परिवारजनों का हाल जानने के लिए हाथरस पहुंचे और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने जयंत चौधरी हाथरस पहुंचे। आप देखें उस पूरे केस में जो आजकल टीवी पर भी बहुत चल रहा है कि रात में पीड़िता को रात में 2 बजे जलाया गया, ये सबसे बड़ा निंदनीय कृत्य था पुलिस का, प्रशासन का, क्योंकि वो योगी सरकार के इशारे पर सब काम कर रही थी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि योगी सरकार चाहती क्या है। इतने रेप हो रहे हैं, इतने अन्याय हो रहे हैं, मगर सरकार चुप बैठी है, बल्कि उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है। क्या मांगे आपकी? माननीय जैन जी ने जब आवाज उठाई वहां जाके तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। मैं नहीं समझता कि योगी सरकार की इसमें संलिप्तता नहीं है। योगी सरकार, योगी जी ने खुद इशारे से काम करवाया है और माननीय जैन जी पर ये जानलेवा हमला हुआ है। अकेले अंदर जाने के बाद, 5 आदमी में जाने के बाद वो अपनी बाइट दे रहे थे, उसको तुरंत उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, ये बड़ा निंदनीय भर्सनीय है। तो ये आग जब युवाओं को मालूम चली पूरे क्षेत्र में, तो सबके दिमाग में रोष है, सबके दिलों में रोष है, सब चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस प्रशासन के बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय जैन जी किसानों के नेता हैं और वो जानते हैं किसानों के, गरीबों का दुख दर्द क्या है और हमेशा उनके बाद उठाते हैं, उठाते रहे। आज जो पुतला दहन किया है, क्या कुछ प्रोग्राम रालोद कार्यकर्ता द्वारा किया गया है? हम रेप पीड़िता महिषा के दुख दर्द बांटने के लिए माननीय जयंत चौधरी के नेतृत्व में पूरा राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश से गया था और वहां जाने अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। ये घटना ऐसी घटना है कि जो सपा वालों के साथ भी वही व्यवहार किया गया, हम लोगों के साथ भी वही व्यवहार किया गया। ये बीजेपी सरकार मतलब किसानों की आवाज़ को दबाना चाहती है, हमारे जैन चौधरी की आवाज़ को दबाना चाहती है। हम उसके लिए पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें कुछ अधिकारियों को तो बर्खास्त करने की भी मांग हम करते हैं। जिस तरह रालोद कार्यकर्ताओं आक्रोश है, अगला कदम क्या होगा? रालोद कार्यकर्ता पूरे उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा आक्रोश है, जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं और माननीय चौधरी जी के पक्ष में हम चाहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे और जो लाठीचार्ज करने वाले कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई हो।